दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में शांति और खुशी चाहता है, पर क्या वो ले पाता है? वो क्यों नहीं ले पाता और किस तरह से ले सकता है? आज का वीडियो इसी विषय पर। हम सब जानते हैं, यदि हम पास्ट की चिंता करें, यदि हम भूतकाल की चिंता करें, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। और यदि हम भविष्य की चिंता करें, फ्यूचर को देखें, तो हम एनक्सियस हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। बेकार की परेशानियां हमें घेरती हैं कि भविष्य में क्या होगा। तो जीने का सही तरीका क्या है, जीने का सही रास्ता क्या है? दोस्तों, जीने का सही रास्ता है वर्तमान में, प्रेजेंट में। यदि हम वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो हम असीम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, असीम खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जानेंगे उस तकनीक के बारे में जो हमें वर्तमान में जीना सिखा सकती है। और जब हम वर्तमान में जीना सीख जाएंगे, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, खुशी ही खुशी होगी और शांति ही शांति होगी। दोस्तों, आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा, वही महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म को पैदा किया। बौद्ध धर्म ने अपनी ध्यान की प्रक्रियाओं से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, बौद्ध धर्म की ध्यान प्रक्रियाएं सबसे ज्यादा सहज हैं और सबसे ज्यादा काम करने वाली। आज हम इसी एक ध्यान प्रक्रिया, जिसे माइंडफुलनेस कहा जाता है, उसके मिरेकल्स के बारे में समझेंगे। दोस्तों, ये किताब लिखी है थिच नॉट हैन ने, ये एक वियतनामी बौद्धिस्ट मोंक हैं, वर्ल्ड स्पिरिचुअल लीडर हैं। दोस्तों, इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन शांति की खोज में बिताया है, इन्होंने अपना पूरा जीवन शांति को विश्व कल्याण के लिए लगाने में बिताया है। इनको 1967 में मार्टिन लूथर किंग के द्वारा नोबल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ये वियतनाम के रहने वाले थे, 1926 में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने जीवन का बड़ा हिस्सा फ्रांस के पाम विलेज मोनेस्ट्री में बिताया। दोस्तों, ये एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी और जिनमें से 70 से ज़्यादा इंग्लिश में हैं। आज हम उन्हीं की लिखी हुई द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस किताब पर चर्चा करेंगे और जानेंगे जीवन के उस तरीके के बारे में, जिसे यदि जान लिया जाए तो शांति और खुशी दोनों मिल सकती हैं। पहला है लर्न करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें सांस किस तरह से लेनी है। ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जानने के बाद आपकी ध्यान प्रक्रिया आसान हो जाएगी, आप माइंडफुलनेस की स्टेट में जल्दी पहुंचेंगे। कैसे आपको सांस लेना है? सबसे पहले आपको धीरे धीरे सांस लेना है, लेकिन आपका श्वास गहरा और लंबा होना चाहिए। आपको श्वास धीरे धीरे अंदर फेफड़ों में भरना है और फिर धीरे धीरे लंबा और गहरा करके बाहर छोड़ना है। ये ब्रीदिंग टेक्निक बड़े आराम से करने वाली चीज़ है, बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है, क्योंकि पूरा का पूरा माइंडफुलनेस, पूरा का पूरा ध्यान इसी ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर है। यदि आपने इसे गलत कर दिया, तो आपको इसका उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। जब आप इसे शुरुआत करते हैं, पहली बार करते हैं, तो आपको इसे लेट कर करना चाहिए। एक बार में 10 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपने लेट कर श्वास लिया और फिर श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ा। इस तरह से जब 10 साइकिल पूरे हो जाएं, तो आप रुक जाएं। इससे आपका अभ्यास होगा। योग के हिसाब से पूरक करते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं तो आपका पेट ऊपर की तरफ आ जाता है, पेट आपका फूल जाता है। ये श्वास फेफड़ों और पेट में भरने के कारण होता है। और जब आप श्वास को बाहर निकालते हैं, यानी एक्सहेल करते हैं, यानी रेचक करते हैं, तब आपका पेट अंदर चला जाता है। ये श्वास को बाहर छोड़ने की वजह से होता है। दोस्तों, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर होना चाहिए। आपकी ब्रीदिंग जो चल रही है, आपका ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर। जब आप श्वासों पर ध्यान करेंगे, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली वर्तमान में हो जाएगा। आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे करके जब आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो आपको फ्यूचर और आपको पास्ट के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं रहेगा और आपका सारा का सारा कंसंट्रेशन, सारा का सारा फोकस वर्तमान क्षण में हो जाएगा। यही माइंडफुलनेस है। जब आप वर्तमान के क्षण में अपने आप को ले आते हैं, वर्तमान के समय में, प्रेजेंट में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, यही माइंडफुलनेस है। बौद्ध धर्म के अंदर
इसे विपश्यना कहा जाता है। विपश्यना ध्यान की एक तकनीक है, और जो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इसे आनापान कहा जाता है। और ये आनापान जब आपका संबल हो जाता है, जब आपका सफल हो जाता है, जब आप इसमें स्टेबल हो जाते हैं, तब आपकी ये प्रक्रिया बड़ी सहज हो जाती है। आप धीरे धीरे श्वास लेते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं और हमेशा के लिए आप वर्तमान में आ जाते हैं। दोस्तों, दूसरा लेसन है कि हमें हफ्ते में एक बार पूरे दिन के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना है। जी हाँ, हफ्ते में एक बार पूरा दिन। आप कहेंगे कि ये तो बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल है, शुरू शुरू में ये मुश्किल लग सकता है। दोस्तों, यदि आप इस मेडिटेशन का, इस ध्यान का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, अपने आप को वर्तमान में रखना सीखना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर शांति और खुशी लाना चाहते हैं, तो ये क्रिया का अभ्यास आपको करना होगा, अवश्य करना होगा। हफ्ते में एक दिन इसे देना होगा। दोस्तों, जिस दिन आप इस अभ्यास को करें, उस दिन जब सुबह उठें तो श्वास धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। यानी सुबह उठते ही आपकी माइंडफुलनेस की प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए। पूरे दिन के अंदर हर तरह के मीडिया से आप दूर रहें, इंटरनेट से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें, टीवी से दूर रहें, ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। आप भोजन कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी आप करें उसे इस तरह से करें कि आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी काम में हो। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो आप पूरा का पूरा ध्यान गार्डनिंग में लगाएं। यदि आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा फोकस और कंसंट्रेशन पढ़ने में ही होना चाहिए। यदि आप लिखते हैं तो आपकी पूरी की पूरी चेतना आपकी पढ़ाई में होनी चाहिए। यदि आप भोजन करते हैं तो आप हर कोर के साथ वर्तमान में जीना सीखेंगे, और हर कोर का पूरा आनंद सलाइवरी ग्लैंड के साथ आप लेना आरंभ करेंगे, जिससे आप वर्तमान में रहना सीख जाएंगे। और धीरे धीरे इस अभ्यास से पूरे समय के लिए आप वर्तमान में, प्रेजेंट में रह पाएंगे। और दोस्तों, तीसरा लेसन है, जब आप ड्राइविंग भी करें तब भी आप वर्तमान में ही रहें, अपनी पूरी चेतना को प्रेजेंट में ही रखें। इसका अर्थ यह है कि कोई भी काम करते हुए, चाहे वो काम मोशन से संबंधित है या स्टेशनरी है, आपको प्रेजेंट में ही रहना सीखना है। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हफ्ते में एक दिन का हो जाएगा, आपका अभ्यास इतना सुदृढ़ हो जाएगा, इतना पक्का हो जाएगा, इतना स्टेबल हो जाएगा कि आप हर समय चाहे कोई भी काम करें वर्तमान में रहना सीख पाएंगे। दोस्तों, जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम आराम करते हैं, तो हमारा शरीर ही आराम करता है, हमारा मन लगातार चलता रहता है। हमें पूर्णतः आराम नहीं मिल पाता, क्योंकि शरीर और मन में से केवल एक ही हिस्सा आराम करता है और एक हिस्सा लगातार काम में लगा रहता है। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, इस मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तब हमारा शरीर और मन दोनों आराम करते हैं, दोनों रिलैक्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर चेतना का प्रवाह वर्तमान में होता है, जिसके अंदर ऊर्जा का कम इस्तेमाल होता है, ऊर्जा पूरी फोकस्ड रहती है, ध्यान अटेंशन पूरा फोकस रहता है, और हम फोकस होने की वजह से, अपने ध्यान को वर्तमान में रखने की वजह से, पूरा कंसंट्रेट होने की वजह से एक नई दुनिया को जन्म देने लगते हैं, एक नए विचारों को जन्म देने लगते हैं। हम ऑर्डिनरी लाइट से लेज़र बीम होना शुरू हो जाते हैं, हमारा फोकस इतना सुदृढ़ हो जाता है कि हम जीवन में जो भी काम करते हैं वो पक्के होते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं वो मजबूत होते हैं, और उनके अंदर एक संबल होता है, हमारी डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है। ज़्यादा फोकस्ड होने की वजह से हम अपने लक्ष्य पर जल्दी से समय पर पहुंच पाते हैं। दोस्तों, इस विधि के अंदर हमें हर फीलिंग के साथ न्याय करना है। इसका अर्थ ये है कि जो भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा फील आपको आता है, जो भी विचार आपके मन में आता है, चाहे कोई फील है चाहे कोई विचार है, आपने उसे महत्व देना है। हर विचार, हर इमोशंस और हर भावना का अपना दायरा होता है, उसका अपना एक संकल्प होता है, उसका एक महत्व होता है, आपको उसे नज़रअंदाज नहीं करना। चाहे वो दर्द हो चाहे वो खुशी हो, हर इमोशंस का अपना महत्व है। आपको सबके साथ न्याय करना है, आपको सबको स्ट्रेंथ देनी है, सबको समझना है और उनके आने और जाने के कारणों को जानना है। जब हम हर एक फीलिंग्स को, हर एक इमोशन को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, तो हमारे अंदर एक नव चेतना का विकास होगा,
हम एक नए आदमी बनना शुरू हो जाएंगे, हमारी दृष्टि बदलना शुरू हो जाएगी, हम चीज़ों को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, हम दुनिया को नए नज़रिए से देखेंगे। और जब दृष्टि नहीं होगी, चेतना नहीं होगी, जीवन बिल्कुल नया बन जाएगा और हम अपने आप को एक अलग इंसान महसूस करेंगे, हम अपने आप को स्पिरिचुअल व्यक्ति महसूस करेंगे, हम अपने आप को आध्यात्मिकता के नज़दीक महसूस करेंगे और यही आध्यात्मिकता अंततोगत्वा हमें शांति के पास ले जाएगी, यही आध्यात्मिकता हमें अंततोगत्वा खुशी के पास ले जाएगी, यही आध्यात्मिकता हमें अंततोगत्वा आनंद के पास ले जाएगी। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। यदि आप अपने जीवन के अंदर शांति, खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, समय लगे तो इसे अवश्य पढ़िए, इसका अभ्यास अवश्य करिए, मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। अब मैं इसकी समरी आपके सामने कविता के माध्यम से रखूंगा। माइंडफुल हुए बिना कैसे तुम करोगे बड़े काम, माइंडफुलनेस मेडिटेशन देता अद्भुत परिणाम। भूतकाल और भविष्य की चिंता हटानी होगी, वर्तमान में रहने की तुम्हें आदत बनानी होगी, धीरे धीरे गहरी और लंबी श्वास पे देना ध्यान, ये आएगी और जाएगी फिर बन जाएगी प्राण। शुरू शुरू में जाने वाला लंबा होता है श्वास, जैसे जैसे समय बीतता सम हो जाए प्रवास। एक दिन हफ्ते में तू माइंडफुल मेडिटेशन कर, तो जीने का मजा आएगा, सुहाना होगा सफर, आराम आराम से तुम्हें अच्छी लत लग जाएगी, वर्तमान में रहने की हमेशा आदत डल जाएगी। तुम देखोगे नजरें बदली और बदले नज़ारे भी, ना चिंता भविष्य की न भूतकाल के इशारे ही। वो दिन होगा उत्सव का, चारों ओर आनंद होगा, वर्तमान में जीने लगो तो जीवन ये मधुबन होगा, वर्तमान में जीने लगो तो जीवन ये मधुबन होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए, क्योंकि हफ्ते के अंदर दो वीडियो हमारे इस चैनल पर किसी ना किसी वर्ल्ड फेमस बुक पर आते हैं, ताकि वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई बुक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।